इतने खूबसूरत होते थे हमारे गांव के गांव की बाजार। गांव के लोग सब्जियां पैदा करते थे, अनाज पैदा करते थे और गांव की बाजार में ही ले जाकर के बेचते थे। अब उसका समय ख़त्म हो रहा है, अवसान का समय आ गया। बड़े बड़े माल हो गए और उसमें सब्जियां से लेकर के और सारे सामान बिकते हैं, इसलिए आने वाले समय में यह देखने को नहीं मिलेगा। हम इस समय मिर्ज़ापुर में हैं। मिर्ज़ापुर जनपद की एक छोटी सी मंडी है, अदलपुरा। अदलपुरा ऐतिहासिक रामलीला मैदान। अच्छा, ऐतिहासिक रामलीला मैदान। यहाँ देखिए पालक है, पालक के साथ सोया भी है, इधर मेथी है, यह बैगन सफ़ेद वाला है, यह नीला वाला है, वह अलग प्रजाति का है। मतलब तीन प्रजाति के बैगन हैं। चोखा वाला कौन सा ले जाते हैं लोग? नीला वाला, देसी। अच्छा, देसी है यार। कैसे दे रहे हैं इसको? 15 रुपया किलो, 10 रुपया 15 रुपया ही जैसा मार्केट। अच्छा, गोभी कैसे दे रहे हैं? गोभी 5 रुपया। 5 रुपया। किसान बड़ा मेहनत करके पैदा करता है और अब चूंकि इस समय सबके घर पैदा हो गया है, इसलिए लेने वालों की कमी है और सभी बेचने आए, इसलिए गोभी 5 रुपया में ही है। 5 रुपया में एक फूल। और लौकी भी है? लौकी, कद्दू, लौकी दोनों। अच्छा, लौकी और कद्दू दोनों बोलते हैं उसे। यह लंबी लंबी भी होती है और गोल भी होती है। इसको कैसे दे रहे हैं? चलिए, मेथी है, मेथी में डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको यह बड़ा प्रचुर मात्रा में इसमें आयरन है और अन्य भी तत्व हैं। इसे हरी साग के रूप में खाया जाता है। इधर सोया और पालक है, अभी बहुत लाभप्रद है लोगों के लिए। उधर हरी मिर्च है, नींबू है, वाह। इधर मूली है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलेगा। मूली कैसे है भैया? 10 रुपया 8 रुपया जो भी है। इधर धनिया है, इधर भी आलू है, टमाटर है, लाल लाल टमाटर इधर भी बिक रहा है। चलिए इधर भी दिखाते हैं। यह गांव का मार्केट है। गांव के मार्केट में सब कुछ है, सारी सब्जियां ताजी ताजी हैं। उधर प्याज है, नया वाला आलू है, सेम है, गाजर। यह भी बैगन है भैया? ये क्या है यार? हरी वाली बैगन। यह तीसरी चौथी प्रजात का हमने देखा। उधर गाजर है और यह पत्ते वाली गोभी है, मेथी है। टमाटर कैसे इस समय है? 10 रुपया किलो। बड़ा सस्ता हो गया है, मतलब 50 रुपया में एक पसेरी। 10 रुपया किलो यही है ना? 10 रुपया किलो। चलिए कुछ और हम दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग जुट गए हैं, स्थानीय मार्केट है। अरे आइए बाबू, बात कर लीजिए। यह है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहते तो हैं लेकिन हेजिटेशन है, बात करने में हिचकिचाहट होगी। और इधर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, उधर कपड़े का भी मार्केट लगा हुआ है। इधर गांव के लोग क्या क्या लिए हैं भैया? अरे ये तो बड़ा ले लिया आप, टमाटर, प्याज, गोभी, आलू सब ले लिए हैं। और अच्छा किया आप पॉलीथीन नहीं लिए हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। झोला लेकर के आए हैं, आप लोगों को बधाई, बधाई आप लोगों को। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। आप लोग पॉलीथीन में बेच भी नहीं रहे, मना करते हैं लोगों को ना? मना करते हैं। बहुत अच्छा, देखिए शहरों में यह चीज़ें नहीं है। वाराणसी जैसी जगह पर धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रहा है। और आपको भी नमस्कार, आप झोला लेकर के आए हैं सब्जी लेने? सब्जी लेने आए, झोला लेकर के। पॉलीथीन में नहीं लेंगे ना? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है तो पॉलीथीन का है को, झोला है तो पॉलीथीन का है को। बहुत अच्छा, आप लोग यहीं के निवासी हैं? आप तो किसी सेवा में रहे हैं लग रहा है? नहीं नहीं, घर पे रहते हैं। अच्छा, पहले किसी सेवा में रहे हैं? नहीं। अच्छा, चलिए देखिए, इधर भी दिखा रहा हूँ, इधर भी लोग घर से पैदा हुआ है लेकर के आ गई हैं। और गोभी कितने कितने में दे रही हैं? 10 रुपया में। बड़ा सस्ता है भाई गोभी। और किसान मर जा रहे हैं ना? किसान मर जा रहे हैं। चलिए इधर भी लंबा लंबा हमने दिखाया आपको, अब इधर दिखाते हैं कुछ और भी। यहाँ देखिए, जाने लायक होगा तो जाऊँगा, उधर से आगे बढ़ के दिखाते हैं। इधर कुछ कपड़े का मार्केट लगा है, चलिए उधर भी चलते हैं। और यह मार्केट देखिए, इधर भी देखते जाइए।
चलिए आप भी अच्छी हैं, पॉलीथीन में सब्जी नहीं ले रही हैं, बहुत अच्छा। पॉलीथीन नुकसान करेगा और गंगा में ही जाएगा, आप भी पॉलीथीन में मत बेचिएगा। हाँ भैया सुनना था, तब तो एक दिन कितना जने आई हैं कहिए कि वही मदा पॉलीथीन में मदा। आ शिमला मिर्चा कैसे देती हो? 8 रुपया। 8 रुपया पाओ, बहुत अच्छा। शिमला मिर्चा भी बड़ा पोषक तत्वों से परिपूर्ण है, और इधर अच्छा तुम्हारे तरफ भी आ जा, बहुत अच्छा। चलो बाबू इसको क्या बोलते हैं, चुकंदर, जिसके जिस जिसके पास खून की कमी होती है वह चुकंदर खाता है, जिसके पास कैल्शियम की कमी होती है गाजर, कैल्शियम की कमी होती है गाजर खाता। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन जूता निकाल के बैठोगे तो और मजा आएगा। बहुत अच्छा, यह गाजर है, देसी वाला है, कौन सा है? देसी वाला नहीं है ना? अच्छा, यूट्यूब पर ब्रजभूषण दुबे के नाम से है। चलो पूछ लिया तो बता दिया, मोबाइल लिया हो तो सब्सक्राइब कर दो। नाम नहीं बताया। ब्रजभूषण दुबे, BRAJBHUSHAN। देखिए है, सब्जी भी बेचेंगे और ठीक है, इससे भी जुड़े हुए हैं, देश विदेश के समाचार जानते रहते हैं। ये मैंने डाला BRAJBHUSHAN। देखो कहाँ गया जी, इसको तो ये हमने दिखाया, फिर से कर लो उसको। उधर कपड़े का भी मार्केट लगा है, आइए दिखा देते हैं। कितने किलो आंवला, कैसे किलो है? देखिए आंवला है प्रचुर मात्रा में, इसमें पोषण भरा हुआ है। आंवले का इस समय मध्य चल रहा है, आंवला का प्रयोग मुरब्बा से लेकर के चटनी चोखा अचार इसमें किया जाता है। किस किस दिन मार्केट लगती है बेटा यहाँ? 3 बाजार, मतलब कब कब किस किस दिन? मंगलवार, शुक्रवार, अच्छा मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार, 3 दिन लगता है। उधर भी लोग बेच रहे हैं, अच्छा रविवार को बहुत अच्छा मार्केट लगता है। यह देखिए गांव के लोग आते हैं और आकर के यहाँ खरीदते हैं। दोस्तों अब अच्छा आप यहीं के निवासी हैं, अगल बगल के? हाँ। हर मार्केट में आते हैं आप, मतलब हर रविवार को, मंगलवार? हाँ आते हैं आप, अच्छा लगता है। आप दोनों लोग चलिए, बहुत बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों यह सड़क है और सड़क के किनारे मार्केट लगा है, गांव के लोगों में इसमें बेचा भी खरीदा भी और एक दूसरे से साझा भी है और मिलन केंद्र भी है, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। नहीं आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार आप कुछ बेचने आए हैं, खरीदने आए हैं? नहीं हम तो बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? दाल चावल। अच्छा दाल चावल, किधर दुकान आपकी है? अच्छा उधर लगा है, उधर तो भी है, वहाँ पे अरे मछली है। अच्छा अरे वाह, मछली भी है और क्या है? बकरा, अरे लाइन से लगा उधर बकरा भी है। अच्छा बकरे का गोश्त इस समय गोश्त कितने? 400 रुपया किलो है। 400 रुपया किलो। अब मछली? मछली वही 150, 200, 250, कई वैरायटी। मैं पहली बार जान रहा हूँ बकरे के गोश्त की कीमत 400 रुपया किलो। और दूध कितना किलो है? वही 40 का लीटर। 40 रुपया आप अधिक बता रहे हैं, कम? भैंस का 40 है। अच्छा भैंस का 40 और गाय का? 35 है। गाय का 35 है। 35 है, भैंस का दुहाई हो रहा है, गैया का 23-24 है। तो 1 किलो गोश्त लेंगे और उतने का ही अगर दूध ले लेंगे तो उसमें बादाम गरी छुहाड़ा सब डाल करके खीर पूरा परिवार पिएगा, मजा आ जाएगा ना? चलिए भैया मैं मांस खाने से मना नहीं करता हूँ, मांस खाना मौलिक अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मैं चूंकि शाकाहारी हूँ तो मैं शाकाहार का प्रचार भी कर दे रहा हूँ कि उतने में दूध पूरा परिवार, इतना इतना दूध होगा, नहीं 1.5 बाल्टी दूध होगा, 8 रुपया का खम्मा लेके संजा ले मस्त
दारू पी के दूध पी के गिर गया। चलिए खम्भा वाले भी आ गए। खम्भा क्या होता है भैया? खम्भा क्या, जैसे ऐसे ऐसे आप दिखा रहे थे खम्भा माने दारू का बोतल यही ना। अच्छा उसका क्या रेट है? 800 रुपए, मतलब 800 रुपया अंग्रेजी वाले का। इसके लिए महंगाई नहीं है, 800 है, 150 है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम है उसका? जैसे ब्लेंडर हो गया। अच्छा अच्छा, कई लोग मिला के लेते हैं तो नहीं दिक्कत। 700 ग्राम महंगा नहीं है। अच्छा वो जो देसी वाला आता है वो कितने में? 65 रुपया ये लेगा। 65 रुपया। चलिए भैया अच्छा लगा, और इन लोगों ने दारू का रेट भी बताया, और दारू पीने वाले भी हैं ठंड के मौसम में। ये लोग बता रहे हैं कि ठंड कैसे कटेगा। ये देश है वीर जवानों का, आलबेलों का, मस्तानों का। कथा है कल से भागवत कथा। अच्छा तो उसमें भी लोग कुछ लगा करके ही जाते होंगे? नहीं, वहाँ पे मतलब रात को प्रोग्राम चलेगा। नहीं, अब लगा के जाएंगे तो धैर्य से सुनेंगे, वो भीतर तक जाएगा। नहीं नहीं, वहाँ पे कोई दारू पी के नहीं करेगा। अच्छा कोई दारू पी के नहीं जाएगा? कहीं बाबा बाहर से आए हैं क्या? मथुरा से। अच्छा मथुरा से बाबा आए हैं। चलिए भैया अच्छा लगा, हम पुनः ऐसे तमाम पक्ष दिखाते रहेंगे जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे। आज इस स्थानीय मार्केट में आकर के मुझे अच्छा लगा, आप सभी को भी हमने दिखाया, धन्यवाद। यूट्यूब पे आएगा।